सच्ची बात है, कुछ तो ऐसा है जो इनके पीछे हाथ है, और वही हाथ कौन है। अब जब ये जेल में जाएंगे उस तरह से बिल्कुल वो बंदे भी साथ में आएंगे। मैं पहले भी आपकी लाइन में बोल चुकी हूँ और अभी भी बोलूंगी कि जहां तक पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली वो क्लियर कर दिया मोमिन सर ने कि पॉलिटिकली कोई ऐसा पॉलिटिकल बंदा नहीं है। अगर कोई ऐसी ऊंची शख्सियत है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पर वो क्यों इनको वो कर रहे हैं वो तो तभी पता चलेगा कि क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने त्याग भाई की लाइन में बोला है कि देखो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट है कोई, क्योंकि जिस तरह से ये डेली डेली इनका, जैसे कल बोल रही थी कि मैं डेली एक सूट पहनती हूँ, बच्चों के लिए सूट मंगाती हूँ, मैं कोई कपड़ा रिपीट नहीं करती हूँ, इनॉल ब्ला 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 कुछ भी जो भी बोल रही थी, ऐसा हाथ तो है कि जो फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर रहा है, और जो ऐसा है व्यक्ति। तो एक तो हम अमित जानी को बोल रहे थे, तो अमित जानी को तो स्ट्रिक्टली वार्निंग मिली हुई है, वो तो अभी इनकी वो नहीं कर रहे हैं। जो एक फिल्म डायरेक्टर है, शायद उनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जो पहले इनका नाम आया था, लेकिन उनके अलावा भी ऐसे कोई है, कुछ तो है जो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके धौंस में जो मुझे लगता है कि भाई जो इस पॉलिटिकल पार्टी से भी ऊंचा है, इतना हमें भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी से भी ऊंचा व्यक्ति है उसका जो है इनके सर पे हाथ है। और उसको देख के जब ये औरत जो बोलती है, ये मोहतरमा बोलती है कि अभी भी बाजी हमारे हाथ में है, हम कभी भी बाजी पलट सकते हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है इनके। और मैं अभी इतना खुला नहीं बोल पाऊंगी कि ऐसा क्या है, पर हाँ जहां तक हमारा थोड़ा सा है तो जो ये एपी सिंह जी जो काम कर रहे हैं, तो एपी सिंह जी भी उनके दबाव में ही काम कर रहे हैं, एपी सिंह जी भी अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, तो एपी सिंह जी भी उनके साथ में मिले हुए हैं, और एपी सिंह जी को सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सब क्या करना है, और एपी सिंह जी को भी आगे से कमांड मिलती है और वो काम करते हैं, और इससे हम डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत की है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसी कोई शख्सियत है इनके पीछे जो इनको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम हैं खड़े पीछे, तो है ऐसा, बिल्कुल है जी। नहीं, मैं मेरा सिर्फ मुद्दा ये था, मेरा मुद्दा ये था कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब वो बाद में जी वकील है, उसके बाद फिर वो मेहतर का उन्होंने केस लिया हुआ लीगल काउंसिल के तौर पर, उनकी तजीक बोले तो भारत की तजीक, उनकी तजीक भारतीय की तजीक, और तजीक कौन कर रहा है, पाकिस्तानी, और उसके साथ मिला हुआ कौन है, सचिन। ठीक है, ये लोग क्यों नहीं समझ आ रही, हम थोड़ी सी बात करते हैं, मैंने पहले कई दफा ये जिक्र किया, हम छोटी सी बात करते हैं, हमें फोन आता है कि देखें जी आप लोग जो भी बात करते हैं, शासन भी नजर रखते हैं, आप सब प्रशासन भी नजर रखते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बात किया करें। उनको सबसे बुरा लगता है कि जब आप इंडियन के बारे में बुरा बोलते हैं, तो भाई हम तो इंडियन के बारे में, मेरे ख्याल में कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसके बारे में हम किसी इंडियन के बारे में बुरा बोला हो, लेकिन उनको शासन प्रशासन को ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि सीमा भी सचिन भी, मतलब जिन जिन नामों से तस्वीर दी जा रही है यार, उन शासन और प्रशासन के लिए तो डूब मरने का मकाम है कि कोई वो जो जिसने क्राइम किया है, जिसके ऊपर FIR है, वो बैठ के एक वकील का मजाक उड़ाए, तस्दीक करे, मतलब जीने के काबिल है कोई। आप नहीं, नहीं ये बात बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, यही बात हम बार बार मोमिन सर से पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों, और आप भी खामोश क्यों हैं, आप भी क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ इस तरह बोला जाता है, हमें बुरा लगता है, तो हमें यही बोला जाता है कि कोई बात नहीं, हमारा ये पेशा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये बोलेंगे, बट हमें नहीं अच्छा लगता है। जैसे कल की मैं लिटरली मैं कल की आपसे बात बोलती हूँ, जब इसने इस तरह की बात बोली तो मैंने मोमिन सर को फोन किया, और लिटरली अगर आप यकीन करते तो मेरे आंखों में आंसू थे कि एक जानी मानी हस्ती है हमारे हिंदुस्तान की, उसके लिए एक दो कौड़ी का नौकर के बराबर, मैं खुद अपनी हम खुद ना रखें उसको। थोड़ा सा आपको रोको, देखिए आपसे जब बात होती है तो यकीन मेरा दिल चाहता है कि हम खुल के बात करें। मोमिन मलिक साहब वो इंडियन है जो पाकिस्तान की जेल, और जिस तरह धड़ल्ले से आज वहां फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं सबको, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर थे, खबर छप जाती थी, वो यहाँ पाकिस्तान की अदालतों में इसी तरह वार होते नजर आए, मतलब कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, ठीक है। और यहाँ वकील हमें बताते हैं, ये मैं आपको ये 2009 के बाद की बात बता रहा हूँ, 8 और 9 के बाद, तो मतलब वो हैं अपने लोगों के लिए दिन रात जान कुर्बान करने वाले शख्स हैं, उनको क्या इस किस्म की तजीक
जो सीमा के हाथों, जिसकी कोई कदर नहीं है, टके जितना भी कदर नहीं है, वो और सचिन बैठ के मजाक उड़ाए और मतलब गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे। आप बताएं कि क्या वो इंडियन के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है? ये मोहम्मद मलिक साहब के लिए तजीक नहीं है, मैं समझता हूँ तमाम इंडियन के लिए शर्मिंदगी का बायस है। नहीं, क्यों नहीं है? जिस तरह से बोलती है, हमारा फोन खुद फोन खोलता है, लेकिन क्या करें, हम अपने कानून से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, हम कानून को हाथ से नहीं ले सकते ना। लेकिन कानून, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, कानून तो कर सकता है ना, कानून तो उस पर कार्रवाई कर सकता है। अब जिस तरह से वो इतना वो कर रही है, तो मोमिन सर से भी जैसे बात होती है, तो हम मोमिन सर को भी बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो हमें किस तरह समझाते हैं, क्योंकि वो अब उनको तो आदत पड़ी हुई है, उनको ये है कि भाई कितने भी, वो हमें इस तरह समझाते हैं कि कहीं ये लोग ना जोश में होश न खो बैठे, तो हमें अपने तरीके से समझाते हैं, तो हमें नहीं अच्छा लगता है कि वो इस तरह से बोले। एक बाहर गांव से आई हुई और इलीगल आई हुई, अगर लीगल भी आई हुई होती और यहाँ पे उसकी लीगली शादी भी हुई होती, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी हम ये सोच के निपट लेते कि हमारे देश की है, क्योंकि तब वो हमारे देश की होती। लेकिन एक इलीगल आई हुई औरत और इलीगल आने के बाद इस तरह की बकवासबाजी करती है, इतनी बदतमीजी करती है, इतना सब कुछ करती है, सच में हमसे नहीं देखा जाता है। मन करता है कि अगर सामने आमने सामने होते तो पत्थर उठा के मुंह फोड़ देती। कल की मैं बात कहती हूँ कि जब उसने ये बोला कि हम अपने डॉगों को दूध पिलाते हैं और अगर पूरी रात को दूध नहीं पीता होगा, लिटरली जब मैंने कॉल किया तो आप उनको पूछ सकते हैं, मैं बात नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ इतना ही बोला, सर आपने 10-20 के लिए लाइव आने के लिए बोला था, 10:30 से ऊपर हो गया, आप लाइव आ रहे हैं या नहीं? बोला मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा प्लीज जल्दी आइए। इन्होंने बहुत ज्यादा कोहराम मचा रखा और लिटरली आप ये देखेंगे मेरे आंसू टपक रहे थे और मैं बात नहीं कर पा रही थी उनसे, क्योंकि हमें पता है वो बंदा किस तरह से काम कर रहा है। उस बंदे को एक इनलीगल महिला इस तरह से शब्द बोलती है, लेकिन सच में ही मतलब वो इतने दरिया दिल है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट उन्होंने कल बोला है कि जो तुमने आज हरकत की है इससे भी कार्रवाई, हाँ आपका नेट इशू हुआ था, तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। लेकिन इस औरत को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि जब हम गिनते हैं कि इससे 11 केस हो गए, अभी 2-3 और इससे वो लगने वाले हैं, धाराएं लगने वाले हैं, 2-3 और केस होने वाले हैं, इस औरत को फिर भी शर्म नहीं आती है, तो हमें लगता है यार ये तो इतनी बेशर्म औरत है, फिर इसका बोल इसका कहा हुआ करना ही क्या है, कि मतलब हम तो हमको बुरा लग रहा है ना, चलो थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, फिर हम क्या अपने मन को कैसे समझाते हैं, ठीक है हमारा कानून काम कर रहा है। जैसे अभी इसके सोशल मीडिया अकाउंट के लिए जो बात आई है कि चलो ठीक है, तो इस तरह से हमें ये तसल्ली हो जाती है कि धीरे धीरे काम हो रहा है, तो एक दिन ये भी दिन आएगा कि ये पछताएगी, उसके बाद हम जाके देखेंगे, मोमिन मलिक साहब जो है वो कोर्ट में देख लेंगे, तो ये जाके तसल्ली होती है। ये पता नहीं इतने दिनों तक कैसे चुप करके बैठ गई। कल मैं आपको एक पर्टिकुलर एक बिल्कुल वो सुनाती हूँ क्या बोला इन्होंने, इसने मोमिन मलिक साहब ने जब पर्सन लाइव आके बोला कि भाई देखो तो अब अपनी नौकरी उकरी की बात कर ले, क्योंकि ये जा रही है और ये अगर कानून उल्लंघन करती है तो जेल में चली जाएगी और फिर कमाने का साधन नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि इसने फिर कुछ बोला था तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मेरे घर में तो भैया अगर तेरे जैसे तो मेरे घर में नौकर उससे भी अच्छे हमारे तो जो नौकर होते हैं वो हैं, आगा कोई बात नहीं है, हमारे खेतों में जहाँ खेतों में जो देखभाल करते हैं वहां देखभाल कर लो और खाना वाना खाओ और अपने कमाई करो। तो वो चीज को इन्होंने इतना इतने बुरी तरीके से ले गए कि इन्होंने मोमिन सर को कल क्या बोला, बोला तू तो 2 वक्त की रोटी खाता होगा, ये आपकी ये जो आपके यहाँ की जो मोहतरमा है इसने बोला कि हम तेरे को 4 वक्त की रोटी देंगे, सोने के लिए जगह भी देंगे। और लप्पू ने क्या कहा, बोला खाना खाने के बाद तो दूध नहीं पीता होगा, हम तो अपने डॉगी को दूध भी पिलाते हैं और वो बर्तन खाली पड़ा हुआ है, तुझे पीना है तो आ जा। ये मोमिन मलिक साहब के लिए बोला है जो हमने वो ले रखी है, जो क्लिप मैंने ले रखी है और मैंने सर को दे रखी है, तो वो इस तरह से मंजू जी नमस्कार। तो आप ये देखिए, एक मिनट मैं बोलूं, देखें मुझे जो तकलीफ है ना इस बात की कि मसला असल में पता है क्या, सीमा को तो शायद अंजाम पता हो कि मेरा अंजाम क्या है, और मौत से पहले अक्सर भी कहते हैं ना कि हर चीज फड़फड़ाती है, तो वो फड़फड़ा रही है कि उसने कहा मरना तो वैसे ही है, चले जो अंजाम है या अंत है वो उस तक मैं चली जाऊं, वो इसलिए वो अपनी इंतहा को छू रही है। इशू असल में ये है कि सचिन जिसे उस मुल्क में रहना है, जो उस मुल्क का बासी है, जो उस मुल्क में जिएगा मरेगा,
उसको किस बात का किसकी शेल्टर है, किस बात का खौफ नहीं है, क्या उसको नहीं पता कि कानून का मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ। देखिए मोमिन मलिक साहब वकील हैं, और आपको यहाँ पता है कि कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि सिंधी जबान में वो बात करी थी। सिंध में ये है कि अगर हल्का सा आपने सिंधी जबान से मुताल्लिक कोई तजी का मेज या मजाक उड़ा लिया ना, तो यकीन मानिए उसको नान याद दिला देते हैं कि सिंधी जबान के बारे में कोई तजी का मेज गुफ्तगू करे या उसका मजाक उड़ाए। वहां पर वो मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, वो कौन उड़वा रही है? सीमा खुद बैठ के। तो मतलब सारी चीजों का आप अगर मजमुआ देखें तो सिर्फ और सिर्फ तमाशा है। तमाशा सिर्फ ये दो लोगों के हाथों जो बन रहा है ना, सीमा के और सचिन के हाथों। एपी सिंह को तो छोड़ दो, वो भाड़ में जाए, वो खिलवाड़ हो रहा है भारत का। ठीक है, कोई माने ना माने, आप इसको लाख उसको उजुर पेश करें, खिलवाड़ हो रहा है भारत का। मैं मुझे हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि किस बात की आप दुनिया में जाने माने मुल्क हैं और उसके बाद फिर आपको कानून का और आईन की पासदारी करवाना जानते हैं, तो इनके आगे आप लोग क्यों नाक रगड़ रहे हैं? आपका संविधान कहाँ चला जाता है? आपका आप सब क्यों जो है वो कहते ना कि वो शत्रु पिकेस हो जाते हैं? मतलब कुछ तो शर्म होती है। मोमिन मलिक साहब को मसला नहीं है, खिलवाड़ किसका हो रहा है?